नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पिटारा ZXI प्लस से इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे और इसका रिव्यू करूँगा। मैं बताऊँगा आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे इंफोटेनमेंट सिस्टम को तो बहुत ही ईजीली है। यहाँ से जैसा कि इग्निशन ऑन कर रखा है मैंने पहले ही, यहाँ से पुश बटन स्टार्ट मिलेगा आपको। ZDI+ गाड़ी है तो आपको पुश बटन स्टार्ट मिलेगा। तो पुश बटन स्टार्ट में गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे और मैंने स्टार्ट कर रखी है गाड़ी। तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें कि आप वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हैं यहाँ जो से, है वो कर सकते हो। और ये कैसे हो? और यहाँ से होम पे जा सकते हैं। होम का बटन है, जैसे कि ये देखिए होम पे आ गए। और ये वॉइस प्लीज से कमांड। कमांड वगैरह दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सॉरी, देयर इज नो फोन कनेक्टेड। और ये पावर बटन है, ये ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं, ये पावर बटन का भी काम करता है, ठीक है दोस्तों। ये पावर बटन का काम करता है। और ये सेटिंग सेटिंग में जा सकते हैं, जैसा कि साउंड सेटिंग कर सकते हैं आप, इसमें डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं, क्लॉक सेटिंग कर सकते हैं। देखिए 24 वॉट्स का इसमें भी सेटिंग हो रखी है, तो ऐसे ही आप इसमें क्लॉक की सेटिंग कर सकते हैं, टाइम जोन में जा सकते हैं, GPRS सेटिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। फिर हम होम पे चले जाएंगे। और अभी ये FM ये मीडिया प्लेयर वगैरह यहाँ से देखिए, इस बटन से आप रेडियो FM वगैरह ऑटो सर्च भी कर सकते हैं FM को। और यहाँ से AM यानी रेडियो वगैरह चला सकते हैं, और रेडियो को RJ भी कर सकते हैं, देखिए ऑटो सर्च कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है बहुत ईजिली। अपने नेविगेशन का भी ऑप्शन है, देखिए नेविगेशन का SD कार्ड मांग रहा है, SD कार्ड अभी फिलहाल इसमें डालनी है, तो यहाँ से SD कार्ड वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ से फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कनेक्ट करने का भी ऑप्शन है, देखिए यहाँ से आप फ़ोन वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने के गाने सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में कुछ खास नहीं है, आप ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, USB ऑक्स का भी ऑप्शन दिया गया है इसमें। देखिए USB ऑक्स यहाँ से लगा के आप अपने पसंद के गाने इसमें सुन सकते हैं, इसमें आप आसानी से। और साथ में ही ये ऑडियो कंट्रोल्स भी दे रखे हैं स्टीयरिंग व्हील पे, आपको ऑडियो कंट्रोल्स से जैसा कि आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं, और यहाँ से कमांड दे प्लीज से सकते हैं, कमांड यहाँ से फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एंडिंग। डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और रिमोट की मिलेगी आपको इसमें ऐसे कुछ, देखिए मैं इसको ऑटो सर्च करके दिखा देता हूँ आपको FM को। यहाँ से देखिए एंटीना दिया गया है, यहाँ से ऑटो सर्च हो जाता है, सारे चैनल ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे आपके कुछ ही सेकंड में, सेट हो गए हमारे चैनल सारे, देखिए। और मैं इसकी वॉइस क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, कैसी वॉइस क्वालिटी है इसकी, फुल वॉल्यूम करके, फुल वॉल्यूम पहचान के भी फरे देता रहा सोना टूट मुझे। तो देखिए मैंने आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की वॉइस क्वालिटी भी दिखा दी, कैसी वॉइस क्वालिटी है इसकी, जो वॉइस क्वालिटी थी वो भी दिखा चुका हूँ मैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम की वॉइस क्वालिटी कैसी है, और नेविगेशन, और यहाँ से फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। यहाँ से होम पे जा सकते हैं, यहाँ से USB वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन देखिए फ़ोन कनेक्ट एक स्मार्टफोन वगैरह यहाँ से लिंक कर सकते हैं, USB ऑक्स का ऑप्शन दिया गया है इसमें। और क्रूज सिस्टम दिया गया है इसमें, देख रहे हैं क्रूज सिस्टम भी आ गया, पहले हटा दिया था ब्रिज, अब मारुति दोबारा देने लगी है क्रूज सिस्टम, देखिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए।